उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे अगला यानी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वे छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन तय है, बस सीटों के बंटवारे पर अभी बात करनी बाकी है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को साथ लेने की संभावना पर अखिलेश यादव ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ सीट से सांसद हैं। इसके साथ वे यूपी में समाजवादी पार्टी के सीएम फेस भी हैं। उधर अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। योगी ने कहा है कि जिन्ना से पटेल की तुलना शर्मनाक है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है, हर वक्त तोड़ने का प्रयास करती है। पहले जाति और अन्य वादों के नाम पर तोड़ने की प्रवृत्ति, जब वे अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगाकर पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में 75% योगदान नेताजी मुलायम सिंह यादव का तो 25% उनका है। अखिलेश यादव पार्टी में उनका 25% हक दे तो वे पार्टी में वापसी को तैयार है। शिवपाल यादव ने रविवार को गाजियाबाद में कहा कि समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका काफी योगदान रहा है। जब उन्हें उनका हक नहीं मिला तो उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा था। अगर उन्हें अपना हक वापस मिले तो वे आज भी पार्टी में वापसी को तैयार है। शिवपाल ने चुनाव के संबंध में कहा कि स्थानीय दलों के साथ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेंगे। इससे पहले अखिलेश ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के दो सबसे प्रिय काम है, पहला विभिन्न स्थानों के नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सपा सरकार में बना रहा था, मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदल दिया। इसी तरह सपा सरकार में न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन सेवा यूपी 100 शुरू की। यह ऐसी सेवा थी कि अगर गांव से भी कोई फोन करे तो पुलिस उसकी मदद करने पहुंचती थी, मगर मुख्यमंत्री योगी ने इसका भी नाम बदलकर डायल 112 कर दिया।